अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शमशा अवान और मैं हूं मोहम्मद फाइक। इस दुआ उम्मीद के साथ कि खुदा अपनी रहमतें बेपाया से आपका दामने उम्मीद भर दे और इस दुआ के साथ कि आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। और इमशा, दिन का आगाज अगर अच्छा हो जाए तो दिन भी भरपूर तरीके से आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप सुबह उठते हैं, एक तो रात को नींद पूरी करें और सुबह उठ के हल्की फुल्की वर्जिश कर ली जाए, 5 से 10 मिनट निकाल लिए जाएं, तो आप सारा दिन जो है वो एक्टिव रहते हैं और आपको जो बार बार एक गुनूदगी होती है ना नींद की कैफियत, वो भी नहीं रहती। और मैं आज फील कर रहा हूँ कि मेरे मसल्स अच्छे बने। आज सुबह ये 5 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके मसल्स ही मसले बने हैं और इन मसाइल को हम दूर करने की कोशिश करेंगे रिमशा। और बात हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज के हवाले से एक बड़ा जिसे कहते हैं कि एक ब्रांच है बॉडी बिल्डिंग, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है कि जब कोई बॉडी बिल्डिंग करता है उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है और बड़ा टफ रूटीन आती होती है। तो आज के प्रोग्राम में भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे टैलेंट के साथ जो कि पंजाब पुलिस का फखर भी है, पाकिस्तान भी है, और उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा नाम बनाया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बहुत सारे कंपटीशन विन किए, बहुत सारे तमगे हासिल किए और पाकिस्तान भी रहे, मिस्टर पाकिस्तान रहे, बहुत बहुत कुछ है उन्होंने, बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की है। तो वो उन्हीं से जानते हैं कि ऐसी कौन सी अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने हासिल की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनको आज मैंने प्रोग्राम में मधु किया है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं एजाज हैदर साहब, आपको वेलकम कहते हैं, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आगाज करेंगे कि ये काम आपने कैसे शुरू किया, इसका आगाज किस तरह से किया, लेकिन उससे पहले हम नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि जो तमगे उन्होंने हासिल किए हैं उनके सामने पड़े हैं और ये देख सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा। वैसे तो इजाज़ साहब भी बताएंगे कि इसके पीछे कितनी मेहनत है, इनका सफर कितना मुश्किल रहा है, लेकिन आप इनसे भी देख सकते हैं कि कितना मुश्किल सफर रहा होगा। मतलब हम 5 से 10 मिनट के एक्सरसाइज करते हुए हमारी जान निकलती है और जो ये इतना विन करके आए हैं और आप देख भी रहे होंगे उनकी फिजिक से कि कितना मुश्किल उन्होंने बिल्ड किया। बताइए किस तरह आपने इस सफर का आगाज किया, बचपन से शौक था या फिर बड़े होकर किसी से आप इंस्पायर्ड हुए कि हाँ मैं ये शुरू करता हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हर इंसान हर लड़का पहले स्लिम ही होता है, स्मार्ट सा ही होता है, जिम जाने का शौक तो होता ही नहीं किसी को, बस ये होता है कि हल्का था हल्के हल्के हल्ती से हो जाए, कपड़े पहने अच्छे लगे। मगर ऐसा कोई सिचुएशन उलट थी मेरे साथ, मेरी हाइट माशाल्लाह 6 फीट है, उसके साथ मैं टॉल भी हो गया, तो उस वजह से ना हर एक का नॉमिनेशन था। तो ऐसा ऐसा फर्दर करते करते मेरा जुनून जिम की तरफ रुझान पड़ा कि ये जिम करने से ना थोड़ा दो तीन माह कर दें तो सुना है कि इंसान की बॉडी फूल जाती है और वो बॉडी बिल्डर सा बन जाता है। तो जब मैंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की है तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इसका जुनून पैशन कैसे तब्दील होता गया पता ही नहीं चला और ये सफर कैसे कटा है, कट नहीं रहा, अभी जारी और सारी है मेरा। और मैंने अभी इंशाल्लाह यूनिवर्स और आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करनी है इंशाल्लाह। आपसे पूछेंगे के साथ रह के किस तरह आगाज किया इसका और क्या एज थी जब आपने स्टार्ट किया? तो मेरी उस वक्त एज 19-20 के करीब थी जब मैंने गेम स्टार्ट किया, आज मेरी 38 इयर्स। ओके तो मतलब इतने साल आपने स्ट्रगल की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इजाज साहब ये मुझे बताइए कि आप पंजाब पुलिस का हिस्सा भी हैं जी, तो आप खुद बता रहे थे जब आप आए सुबह मैंने आपसे पूछा कि आपकी भर्ती किस तरह से हुई, तो आपने मुझे बताया कि आपका क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ था बाकी जवानों से। मैं वो वाहिद बंदा हूँ जिसको इस बॉडी बिल्डिंग की वजह से थोड़ी सी इज्जत मिली थी। अच्छा। जब मेरा इंटरव्यू था ना फर्स्ट, मेरा जो मैं पुलिस में भर्ती होने के लिए 2001 की बात है, तो अंदर ऑफिसर हमारे SSP साहिबान, आई थिंक मुझे अभी उनका नाम बिल्कुल नहीं याद क्योंकि बिल्कुल लड़कपन में वो था, अब तो फिर 19-20 साल गुजर गए हमारी सर्विस के भी, तो वो उन्होंने, मैं जब अंदर गया हूँ ना तो मैं हल्का फुल्का जैसे आपकी फिजिक होगी इसमें, बट वो फुल कटिंग के साथ था। जब मैं अंदर गया हूँ तो उन्होंने कहा मुझे देख के, तो एक तो सबके मुँह पर स्माइल आ गई, ठीक है, उसके बाद मेरा फनी सवाल करते यार अगर वो बॉडी बिल्डर जो ऐसे ऐसे करके पोज करते हैं तुम्हें हम कहें तो तुम करके दिखा दोगे? मैंने कहा सर क्यों नहीं, अब तक मुझे बिल्कुल नहीं आते थे, उसको तो थोड़ी बहुत बॉडी बनी हुई थी ना, बस इतना ही पता था, सिक्स पैक बने हुए हैं, बॉडी बनी हुई है, बस शौक था इतना ही। बॉडी बिल्डिंग में आगे क्या डेवलपमेंट लेनी है क्या, ये तो कोई सोच ही नहीं थी। उन्होंने जब वो बोला, क्योंकि मेरा शुरू से ही थोड़ा सा स्पोर्ट्समैनशिप स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा रुझान था, तो मुझे सवाल जवाब थे किनारा किसी करने का शौक था कि ये मुझसे ना ही पूछे, तो अल्लाह ताला की तरफ से जो आपकी सोच होती है वैसे ही आपको मुराद मिलती है। अंदर गया हूँ तो उन्होंने ये सवाल किया, मैंने शर्ट उतारी और शुरू हो गया पोजिंग करना। अच्छा। ये वो बेचारे जितने भी दिन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे भर्ती किया, उन्होंने जाते हुए ये कहा कि बेटा हम तुमसे इतना खुश हैं, कोई भर्ती हो या ना हो आप जरूर भर्ती हो।
सही, मतलब वो आगाज़ मेरी स्टार्टिंग इंटरेस्टिंग, बड़े इंटरेस्टिंग। तो ये मेरा पैशन भी इधर से ही स्टार्ट हुआ था कि मेरे ऑफिसर ने मुझे ओब्लाइज किया और मैं इसको कंटिन्यू करूँ, क्योंकि मुझे इज्जत इसी की वजह से मिली। अच्छा, बाज़ुकात तो ऐसा होता है कि हमें ओब्लाइज कर दिया जाता है तो फिर हम उसे छोड़ देते हैं कि चलो अब जो हमने हासिल करना था वो तो कर लिया, तो अब हम इस पैशन को छोड़ दें या इस चीज़ को छोड़ दें, लेकिन आपका जो है वो शौक पैशन में तब्दील होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक चीज़, एक चीज़ मैं इस पर आपकी बात कहूँगा कि किसी चीज़ की वजह से आपको इज्जत मिलती है, बिल्कुल उसको कंटिन्यू करना बनता है कि उसको ख़त्म कर देना बनता है? बिल्कुल, कंटिन्यू करना ही बनता है। बिल्कुल, मैंने इसी पैशन पर अपने आप को आगे बढ़ाया। ठीक हो गया। अच्छा जहाँ सब, आप मिस्टर पाकिस्तान भी रहे जी, उसके अलावा आपने वो भी बहुत सारे कंपटीशन पाकिस्तान के विन किए हैं, एक जहाजा क्लासिक के नाम से भी कंपटीशन था, तो जब आपने ये कंपटीशन विन किए क्या तासुर थे आपका, और किस तरह से आप इसमें, मतलब एक होता है इंडिविजुअली तौर पर पार्टिसिपेट करते हैं आप, तो किस तरह से आपकी पार्टिसिपेशन थी? ये सारा इधर तक पहुंचना, इतने मेडल्स को हासिल करना, अभी बहुत सारे घर पे पड़े थे, मैं सिर्फ चुन चुन के बड़े मेडल। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में ये भी हमारे लिए बहुत है, ट्रॉफी तो उठा के नहीं लाया। अनगिनत 2007 से मैं स्टार्ट हुआ हूँ कंपटीशन खेलना, ठीक है। इसमें मेरे ऑफिसर्स एलीट फोर्स पंजाब पुलिस की तरफ से ही एलीट सेंटर बेदिया में मैंने टॉप किया। अच्छा, ठीक है। टॉप 10 में स्टूडेंट में मेरा नाम आया, उसके बाद उधर ही एसएसपी सैयद जान मेजर शुजात साहब थे और कर्नल इकरामुल्लाह साहब थे, और ऐसे ही मेरे नीचे जो अमला था, मेरे जो मुझे लाइक करने वाले थे, उन्होंने अप्रिशिएट करके मुझे उनके पास ले गए। उसके बाद उन्होंने भी मुझे बहुत अप्लाइज किया, मेरे ऊपर बड़ा ही हाथ रखा था। कांस्टेबल, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दे देनी कि तू ये ट्रेनिंग कर, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वो जो दुरानिया था उसमें मेरे पैशन को, जब मेरा एक पुलिस में भर्ती हो ना, उसके बाद इन ऑफिसर ने मेरे ऊपर हाथ रखना, बिलीव करें वो मैंने टर्न आउट ऐसे कर दिया था, सुबह शाम दोपहर ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग थी। और मैंने लाइफ का सारी गोल खत्म कर दिए, दोस्ती यारी बहन भाई रिश्तेदारी हर चीज फिनिश कर, हर चीज से दूरी इख्तियार कर लिया। देखिए, कोई भी चीज है वो सैक्रिफाइस मांगती है। एब्सोल्युटली, अगर ऑफिसर ने इतना ओब्लाइज किया मेरे ऊपर तो मेरा भी कोई काम बनता, उनका आउटपुट कुछ दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरे पहले भी इंटरव्यूज देखे उन्होंने, आज के भी इंशाल्लाह देखेंगे, वो आज भी फखर करते हैं कि हमने किसी लड़के पे हाथ रखा था, आज वो किसी मुकाम पे बैठा हुआ। आप पर फखर हम भी करें, बल्कि पूरा पाकिस्तान आप पर फखर करता है इंशाल्लाह। और ये मुझे बताइए कि ये जो आप ट्रेनिंग की बात बता रहे हैं, एज इंस्ट्रक्टर आपने वहाँ पे सर्व किया, तो क्या रूटीन थी, क्या रूटीन आप बता रहे, थोड़ा टफ थी वो रूटीन? जी बिल्कुल, सुबह 3 बजे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। अच्छा, उधर हमारा वॉक ट्रैक होता है, 1 मील 2 मील, वो लड़कों के साथ आगे फ्रंट डेस्क पे दौड़ना भी, तो इसमें आगे कोई बंदा सोल तो हो नहीं सकता। मैंने इसमें आगे और ज़्यादा अपने आप को ग्रूम किया, अच्छा पॉलिश किया, और अपने आप को फर्स्ट ईयर से लेके एलीट के 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है, मैंने टॉपर ही रहा हूँ, ऑन दी स्टेज मैं डेमोस्ट्रेटर रहा हूँ, फर्स्ट डे से ही मैं ऊपर जाके एक्सरसाइज जो हमारी मॉर्निंग की होती है वो सारी ऐसा डेमोस्ट्रेटर करता रहा। अच्छा, वाह। सारा दिन वर्कआउट करने के बाद फिर रात को जाके 5 बजे मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता था। अच्छा, रात को 12 बजे ट्रेनिंग करके फिर वापस, फिर लीड सेंटर वापस, सुबह फिर आप 3 बजे उठते जी थे। बिल्कुल, वेरी टफ। मेरे लिए 3 घंटे या 4 घंटे नींद होती थी। और आजकल लोग कहते हैं कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई 8 घंटे सोने के बाद, और हम जो है कोई काम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की ड्यूटी भी इतनी सख्त होती है और उसके साथ साथ वो इतनी अचीवमेंट्स भी हैं उनके साथ, तो ड्यूटी के पंजाब पुलिस में जो डाइट थोड़ी सी आपकी सेट नहीं होती क्योंकि आप ड्यूटी उस तरह से कर रहे होते हैं, तो किस तरह से आप अपनी डाइट को आगे कंटिन्यू करते हैं? डाइट दो किस्म की, दो लड़कों के लिए अलग अलग होगी, जो प्रोफेशनलिज्म है मेरे जैसे उनकी डाइट कुछ और होगी। अच्छा, एक फिटनेस लेवल के लिए चाहिए इसकी डाइट कुछ और। ठीक ठीक। ऑन ड्यूटी जब हम ड्यूटी कर रहे होते हैं तो हमारा दुरानी क्या चलो होता है, बाय वर्कआउट होता है सारा। वैसे भी 16 से 18 घंटे की ड्यूटी होती है, कोई टाइमिंग नहीं कि कब छुट्टी होनी कब कैसे होना है। मेरे टिफिन 2-3 टिफिन मेरी गाड़ी में होते हैं। अच्छा अच्छा। बॉयल जो होते हैं ना मेरे लड़के को खा सकते, उसको देख के बंदे का दिल उठता है यार ये कैसे खा रहा है, कैसे खा रहा है, बड़ा अजीब खाना। बॉयल टोटल, बॉयल राइस, बॉयल चिकन, बॉयल मटन, बॉयल बीफ, हर चीज बॉयल्ड। अच्छा। ना नमक, ना मिर्च, ना मसाला, किसी किस्म की कोई चीज नहीं होगी। अच्छा। ये बॉडी बिल्डिंग की एक बहुत ही, जितने भी बॉडी बिल्डर प्रोफेशनलिज्म है ना, आपकी सोच भी
बदतर होगा कि ये कितनी टफ अपनी लाइफ गुजारते हैं। ठीक हो गया, मतलब आपको दिल नहीं करता कि लाहौरी खाने, मतलब हम आप जो लाहौर से ताल्लुक है तो लाहौरियों का हमारा तो टेस्ट ही इतना डेवलप हो चुका होता है कि हम तो फीका खाना की तरफ देख ही नहीं सकते। ऐसे, तो खाना तो बहुत दूर की बात है। आपको बताया ना कि एक लेजेंड बनने के लिए ना बहुत से सैक्रिफाइस, बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस, इसके लिए तो बहुत ही सैक्रिफाइस करनी है। आगे अभी मेरा ये सफर जारी है सारी है, मैं आप लोगों से भी और अपने जितने मीडिया में बैठे हुए हैं अपने ऑफिसर्स हैं, मैं इनके लिए स्पेशल इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए कोई स्पेशल सोच रखे। मैंने आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी करनी है, यूनिवर्स की 22 जून को आ रहा है थाईलैंड में। अच्छा। वो मैंने खेलना है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैंने क्वालिफाई करना है। आगे मेरी ये काविश है कि इंशाल्लाह मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। हमारी सब दुआएं और सब नेक विशेज़ आपके साथ हैं। जैसा आपने मसल मीनिया कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया आपने वहाँ पर, क्या फीलिंग्स थी आपकी वहाँ पर? फीलिंग्स, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान का फ्लैग लेके चलना, ये एक आपको पता है फख्र का मुकाम है और ये ख्वाब होता है इंसान का हर एक, पाकिस्तानी कलर पहनना। और वहाँ पर आपने गोल्ड मेडल भी जीता। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ, अल्लाह का, मेरी माँ की दुआओं का बहुत क्रेडिट है। ठीक हो गया। अच्छा एजाज साहब, आप पहले डाइट की बात कर रहे थे, हमारे पुलिस के बहुत से ऐसे जवान जो इस वक्त ड्यूटी के फ्राइज सर अंजाम दे रहे हैं, आप उनको कैसे बताएंगे अगर कोई को प्लान करना चाहे डाइट के हवाले से कि वो अपने आप को फिट रखें और ड्यूटी के लिए अपने एक तो प्रोफेशनलिज्म है ना, मतलब आप तो प्रोफेशनल हैं लेकिन वो अपने आप को सिर्फ फिट रखना चाह रहे हैं ताकि वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। मैं अपने लिए क्या सजेस्ट करूंगा, उन सबको एक ही नसीहत करूंगा जी, सबसे मेन चीज है अपनी ड्यूटी के साथ, जैसे हम सारा दिन ड्यूटी करते हैं जी, जी। ऐसे अपनी फिटनेस, ये हमारा नुमाया है जी, ये हथियार, एक तो वेपन होते हैं ना हमारे, उसके बाद हमारी बॉडी फिजिक, हमारी फिटनेस किस लिहाज तक हमारा काम करती है, इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। ठीक है, हर रोज लड़के इधर से वापस जाने में 5-6-7 बजे तक, आजकल तो हमारी 8 hours की ड्यूटी हो गई है, ठीक है, लीड वालों की 8-8 घंटे की सीक्वेंस बन गए हैं, तो उस वजह से कुछ आसानी होगी। जब से हम थे तब तो बहुत ही टफ था, 15 hours, 14 hours, 12 hours, कोई पता ही नहीं चल रहा कब ड्यूटी ऑन ऑफ होनी है। तो मेरी सारे दोस्तों को, अपने जितने भी अपने लीड के हमारे पुलिस के जवान जितने भी हैं, उनको ये सबसे अच्छी इनके लिए एक टिप है कि ट्रेनिंग करना और जो भी डाइट मिल रही है उसमें सिर्फ मसाला जात को थोड़ा सा कम कर देना और उनकी फिटनेस परफेक्ट है। अच्छा, एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज एक मस्कुलर बॉडी के लिए या एक फिटनेस के लिए क्या आप रिकमेंड करते हैं? सिर्फ जिमिंग ज्वाइन लाजमी करें, इसमें एक्सरसाइज क्या होगी? देखिए पुलिस वाले तो जिम नहीं कर सकते, जिम नहीं कर सकते, रनिंग करें, थोड़ा से हेल्थी हो जाते हैं, थोड़े से हेल्थी हो जाते हैं, जिम करना तो मस्ट है, लाजमी करें, हर एक इंसान के लिए जिमिंग करना मस्ट है, अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए। अगर जो नहीं कर पा रहे तो कम से कम हमारी वॉक ट्रैक तो मस्ट है, ना रनिंग करें ना जॉगिंग करें, इसकी ट्रेनिंग होती है, आप उसको जी बिल्कुल बिल्कुल उसी को लेके, उसी ट्रेनिंग पे सीक्वेंस को, हमारी उधर हाई उधर हमारी सिटअप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, ये हम रूटीन में घर पे कर लेते हैं, इधर हम कर सकते हैं, पुशअप्स आप कर रहे होते हैं आपकी पूरी बॉडी जी वर्कआउट कर रही है, और चिनअप्स होते हैं, कोई रॉड घर पे लग गया है, कोई फ्रेम है उसको पकड़ के अपने आप को पुल अप करना, बॉडी को अप एंड डाउन करना, इतना तो कर सकते हैं, बॉडी को थोड़ी तकलीफ देते रहे, थोड़ा सा होना चाहिए, होना चाहिए, ये थोड़ा सा नहीं, पुशअप्स में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वैसे तो पुशअप्स वो जो नहीं करते उनके लिए वो तकलीफ है, जो थोड़ा सा कंटिन्यू कर पाते, जैसे हमारे पुलिस के एलीट के जितने भी जवान हैं, अच्छा एक्सरसाइज इनमें ब्रच बस चुकी होती है, अच्छा, बट जैसे ही ड्यूटी पे आते हैं तो हम थोड़े से सोल हो जाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी ड्यूटी करने के बाद वो कहता है बस मेरी बस हो गई, मैं आप अच्छा जा सब आप थी कभी थके कि अभी आपने ड्यूटी की है 15 घंटे की 16 घंटे की, उसके बाद आपने जिम जाने? आप लीव करो, मुझे अब इस गेम से वो इश्क होता है, जुनून अच्छा, होता अच्छा, है अच्छा, वो हो गया, अब ना करूं तो मुझे चैन नहीं आता, पैशन के लिए इंसान कैसे करता है। और आखिरी सवाल आपसे इजाजत, मैं एक बात के मैं जब ये वर्दी पहनता हूँ ना, हाँ, तो मैं बाहर जाता हूँ, लोग मुझे इस वर्दी में जब देख के जो इंस्पिरेशन उनको मिलती है ना जी, कि पुलिस के जवान ऐसे होते हैं। मैं सैयद जुनैद अरशद साहब थे, उनके साथ इस्लामाबाद में गया हूँ, ठीक है, ऑन ड्यूटी मैं उधर, जब इस्लामाबाद आपको पता वो हमारे लाहौर से जरा थोड़ा सा लहदा था, वो कहते हैं आप पाकिस्तानी लगते ही नहीं, अच्छा यूरोप कंट्री के लग रहे हैं, वर्दी पहनी, वो यूरोप कंट्री के जितने भी कमांडोज होंगे वो इस तरह की फिटनेस रखते हैं, वो व्यू सुन के इस वर्दी को पहन के वो बड़ा फिर मजा आता है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, बल्कि हम यंगस्टर्स के लिए बिल्कुल आप एक इंस्पायरेशन है, आपको देख के बहुत ज्यादा लोग इंस्पायर होंगे और इस फील्ड में भी आएंगे। अच्छा जा सब, आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे हम कि आपने जिंदगी में इस सफर का आगाज तो किया लेकिन आप किसी से इंस्पायर्ड जरूर होंगे, कोई कैसा बंदा होगा जिसने आपको मोटिवेशन दी होगी, आप उसका मुझे नाम बताएं। कहते ना हर कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ जरूर होता है, तो इस कामयाबी के पीछे किसका हाथ? इसमें हमारे दोस्त हैं, मेरे लीड के ही जवान हैं, विलायत अली शाह,
उसने मुझे इसमें ना मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दी है। मैं वो भी एलीट सेंटर में एज इंस्ट्रक्टर था, मैं भी था उधर। हम ट्रेनिंग पहले इंस्ट्रक्टरशिप की ट्रेनिंग ली, उसके बाद उधर ही कोर्स में हम ट्रेनिंग करवा रहे थे। वो मेरा ये पैशन रोज़ का आने जाने का देखता था, सुबह 3 बजे उठना, 4 बजे 5 बजे तक, उसके बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग के लिए चलना। उसने कहा बेवकूफ़ तो कितना जुनूनी है, तो इसको अपना प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं बनाता, कंपटीशन खेल, को अच्छे लेवल पे जा। तो उसने आपको मोटिवेट किया मैं ये वो मेरा अच्छा, मेरे इंस्पिरेशन अच्छा। के लिए उसने मेरे दिमाग में motivation. एक स्पेशल एक नया स्क्रू भर दिया। अच्छा, तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या फ्यूचर गोल्स हैं? मिस्टर पाकिस्तान भी बन गए और अब इंटरनेशनली भी आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, फॉर फ्यूचर क्या जी? मेरा फ्यूचर भी जो प्लान है वो मेरा है पाकिस्तान ओलंपिया को विन करना। अच्छा, इससे बड़ा पाकिस्तान ओलंपिया है, तो उसके बाद मैंने साउथ एशिया उसको विन करना, उसके बाद यूनिवर्स का कंपटीशन आ रहा है 22 जून को, उसको विन करने का ख्वाब है, पैशन है, जुनून है, मैं जीतना है, पहले जीतने के लिए जाना है इंशाल्लाह। और मेरे इंशाल्लाह मेरे डिपार्टमेंट से मुझे स्पेशल इल्तमास है, रिक्वेस्ट है कि मेरी सपोर्ट की जाए और मैं जहां तक हो अपने पुलिस का, अपने लीड फोर्स का, अपने पंजाब पुलिस का नाम रोशन करूं। एब्सोल्युटली सपोर्ट करते हैं पंजाब पुलिस के अफसरान भी। जी बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि आपके में मैंने आपको पहले बताया कि मेरी इब्तिदा ही इधर से हुई है। मेरी इब्तिदा ही इधर से हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। साहब आपसे मिलकर खुशी हुई और हम भी काफी इंस्पायर्ड, तो मैं इंस्पायर्ड हुआ। मैं 5 मिनट की एक्सरसाइज करके समझ रहा था कि मैं रात को 10 हो चुका हूं, लेकिन अब फील हो रहा है कि इसमें काफी आपको मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच। अरे मैं भी पुशअप्स की कोशिश करूंगी। लड़कियां वैसे पुशअप कर सकती हैं? सॉरी, कर सकती हैं। मेरी क्लाइंट जाती थी, बड़ी परफेक्ट की है मैंने, उनको बड़ी हेल्दी थी, बड़ी स्मार्ट की है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कर सकती हैं ये जो आप वो चिन अप्स पुशअप्स कह रहे हैं वो सब कुछ लड़कियां भी कर सकती हैं। लड़कियां लीड कर सकती हैं, पुशअप भी कर सकती हैं। उधर उन्होंने पुशअप भी किए हैं, सिटअप्स भी किए हैं, हर चीज की। हमारी लीड की जवान है लड़कियां। अच्छा अच्छा, और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी फिट है। अच्छा, सही है। यकीनन आज आपने देखा कि पंजाब पुलिस में टैलेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही मुनफरिद टैलेंट था जिसकी हमने आपसे मुलाकात करवाई। और इंशाल्लाह मजीद भी प्रोग्राम में हम इनवाइट करते रहेंगे पंजाब पुलिस के जो भी टैलेंट है उसको यहाँ पर दावा देते रहेंगे। और अगर आप में भी कोई टैलेंट है और आप पंजाब पुलिस है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको जरूर इन्वाइट करेंगे। आप अच्छा गा सकते हैं, आप अच्छी नाच पढ़ते हैं, आप कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन है, बॉडी बिल्डर है, या कोई भी टैलेंट आपको लगता है कि आप में मौजूद है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म। सेफ रहें सेफ सिटी के साथ, और जाते जाते आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे हमें फॉलो करना है, इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।